दोस्तों फाइनली आज हमारे हाथ में आ चुकी है रिटेल यूनिट जो कि आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी Xiaomi 11T Pro की। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाएंगे आपको कि फोन के साथ में क्या क्या मिलता है। और अगर आप लोग इस फोन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं जैसे कैमरा परफॉर्मेंस या फिर एडिटिंग पे ऊपर क्या इश्यूज आते हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसके ऊपर जो है रिव्यूज हम लेकर के आएंगे। लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है Xiaomi 11T Pro और काफी सीलिंग के साथ आई, ऊपर साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस लगी हैं। बॉक्स दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का है, जैसे कि Xiaomi के बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, ना ही ज्यादा लंबा है और ना ही ज्यादा इसकी थिकनेस वगैरह है। डिजाइन बाय Xiaomi और ऊपर में ही हमको मिल जाता है एक ये इसके अंदर केस होगा नॉर्मली जैसे कि एज यूजुअल होता है। यस ऑफकोर्स एज यूजुअल हमको मिल जाती है ये मैनुअल्स एंड दिस इज व्हाट। दोस्तों एक कनेक्टर भी मिल जाता है हमको टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक ताकि हम अपनी हेडफोन का भी इस्तेमाल कर पाए। और केस क्वालिटी एज यूजुअल जैसे कि नॉर्मल केस होते हैं Xiaomi के, सॉफ्ट केस, सिम इजेक्टर टूल एंड ऑफ कोर्स हमारा फोन। और दोस्तों बॉक्स के अंदर हमको मिल जाता है हाइपर चार्ज 120 वाट का चार्जर जो कि Xiaomi का ही है। और एक केबल मिल जाती है दोस्तों टाइप सी की। चलिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं बॉक्स के साथ में, बाकी सारी चीज़ों को हम रख देते हैं साइड में और बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन के बारे में। ये यस दोस्तों इन हैंड फील की बात करें तो थोड़ा सा वाइड है, हाथ में पकड़ोगे अगर जिनके छोटे हाथ हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर मेरा हाथ ठीक ठाक है नॉर्मल, तो हमारे लिए काफ़ी यूजर फ्रेंडली लग रहा है। और बात करें इसके वजन के बारे में हाथ में तो इसका ज़्यादा वेट भी नहीं फील हो रहा। दोस्तों इसके लुक के बारे में बात करें तो मैट फिनिश लग रही है हमको यहाँ पर, और बैक में भी आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। दोस्तों बैक में आपको मिरर टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब बैक में अगर आप चाहें तो बिना शीशे के भी आप इसके अंदर मेकअप वगैरह कर सकते हो अगर कैमरा नहीं इस्तेमाल करना है, ऐसा लुक है। और ऊपर से कैमरा बम्प जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, मैनेज्ड है, मतलब ना ही ज़्यादा बाहर है ना ही ज़्यादा अंदर है। थ्री कैमरा सेटअप आपको इस फोन के अंदर लगे हुए मिलेंगे, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और यहाँ पर कुछ और सेंसर्स भी लगे हुए हैं। फ्रंट में दोस्तों आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा पावर बटन, उसके बाद वॉल्यूम लॉकर, ऊपर में एक स्पीकर मिल जाता है और IR ब्लास्टर सेंसर मिलेगा। हार्मन कार्डन का सपोर्ट है इनके स्पीकर के साथ में। राइट हैंड साइड में दोस्तों कुछ भी नहीं है, नीचे में आपको मिल जाता है सिम ट्रे, एक माइक यूएसबी टाइप सी और एक और स्पीकर, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है इस फोन के साथ में। दोस्तों स्लॉट देख लिया जाए, दोस्तों इस फोन के अंदर आप दो सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पाओगे, इसके आप स्टोरेज नहीं इंक्रीज कर सकते, एसडी कार्ड लगाने का कोई स्लॉट नहीं मिलता। दोस्तों बात करें फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, साथ में इसके अंदर जो रैम लगी हुई वो है LPDDR5 की, UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6 का सपोर्ट, 5G के 13 बैंड्स लगे हैं, तो डोंट वरी अबाउट द 5G कनेक्टिविटी। फोन में NFC भी है, ट्रिपलेट माइक्रोफोन आ रहे हैं, देखो नीचे में तो एक माइक्रोफोन है, ऊपर में भी यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा और बैक में भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ जो कि नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन होगा, ऑडियो जूम भी है और नॉइस डिटेक्शन भी। दोस्तों फोन के साथ में आपको 120 वाट का चार्जर मिल रहा है, साथ में ही फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। बात करें इसकी बॉडी डिस्प्ले रेशियो के बारे में तो ऊपर में आपको जो वेजल्स वगैरह हैं वो काफी कम देखने को मिल जाएंगे, साइड में भी कम है और चिन भी दोस्तों फोन में काफी कम है, हालांकि कर्व डिस्प्ले नहीं है। चलिए दोस्तों जब तक हम फोन को ऑन कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों फोन को मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, फोन ऑन ही नहीं हो रहा, अभी जस्ट आपके सामने हमने अनबॉक्सिंग की फोन की, अभी जस्ट आपके सामने बॉक्स लेकर के आए सब कुछ खोला और ये फोन ऑन ही नहीं हो रहा। आई थिंक बैटरी लो हो सकती है या फिर हो सकता है कि कोई दिक्कत हो फोन के अंदर या फिर इन्होंने गलत वेरिएंट तो नहीं सेंड कर दिया कुछ खराब वाला। चलिए दोस्तों हम फोन को चार्जिंग पर लगाकर देखते हैं, हो सकता है कि फोन की बैटरी थोड़ी लो हो। रिस्पॉन्स तो किया दोस्तों, बैटरी बिल्कुल ही लो है, पर कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल एक ऐसी यूनिट सेंड कर दी बिल्कुल बैटरी है ही नहीं, तो दिक्कत वाली बात है यार, यूजर के धक्के बोलती है। अब बैटरी लो है तो इसका चार्जिंग टेस्ट भी कर ही लेते हैं लगे हाथों। अभी 11:34 हो रहा है और बैटरी बिल्कुल ही लो है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फोन, इसको लगाकर देखते हैं फिर देखते हैं कितनी देर में फोन कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो 11:38 हो चुके हैं, अब 1% बैटरी आई है इतनी देर चार्ज होने के बाद, 23% 11:42 यहाँ पर 50% लगभग हो चुका है फोन। अब 98 पे दोस्तों ये अटक गया है और थोड़ा सा समय ले रहा है यहाँ पर बाकी काफ़ी स्पीड से इसने परसेंटेज बढ़ाई है। 99 हो गया, 100% कंप्लीटेड दोस्तों, फोन हमारा जो है 100% कंप्लीट हो गया। फोन थोड़ा सा हीट जरूर होगा क्योंकि भाई 120 वाट का चार्जर है, इतनी पावर जब फोन के अंदर डालेंगे तो थोड़ी सी हीटिंग तो आएगी। MIUI 12.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, इंग्लिश को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा वाइड फोन है, हम तो स्विच कर पा रहे हैं, पर जिनका अंगूठा छोटा बेचारे वो क्या करेंगे। कलर्स वगैरह दोस्तों काफ़ी ब्राइट हैं, ब्राइटनेस अगर हम कम्प्लीटली फुल करके देखें तो ये लो है बिल्कुल, ये बिल्कुल ब्राइट। दोस्तों ये फ़ोन अभी ऑन नहीं हो रहा था, अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है। इसके अंदर बैटरी लो थी, बिल्कुल चुसी हुई रखी हुई थी, तो हमने चार्जिंग पे लगाया, इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया। तो हम आपको सजेस्ट ये करेंगे, कभी भी फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम मत खेलिएगा। जब थोड़ी देर में 100% कर देगा तो क्या मतलब बनता है कि चार्जिंग को लगा करके आप फिर फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz वाली AMOLED डिस्प्ले विद 480Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ में प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की, और साथ में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों फोन के अंदर लीनियर वाइब्रेशन मोटर भी लगे हैं, ताकि आप लोग अगर इस्तेमाल करो तो थोड़ा वाइब्रेशन का भी फील ले पाओ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके कैमरे के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि इसके कैमरे के ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे पूरी। दोस्तों ओवरऑल बात करें इस फोन के बारे में, तो बिल्कुल दहला दिया था इसने हमको जब इसकी बिल्कुल बैटरी लो थी, फिर भी फोन ने इसको कम्प्लीटली चार्ज कर दिया बहुत ही जल्दी, तो हमको तो वहीं पर खुशी भी मिल गई। और दोस्तों जो इसका बैक है फिनिश बढ़िया है, लुक अच्छा लगता है, पर हाथ में पकड़ते तो काफी गंदा लगने लगता है, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है। हालांकि एक बार साफ करोगे कपड़े से तो बिल्कुल एकदम क्लीन भी हो जाता है, पर आई विल सजेस्ट कि आप इसको केस में लगाकर ही इसका इस्तेमाल करें। अब दोस्तों इस फोन के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जितनी जल्दी होगा हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।